गुड्डू शुक्ला, उधर हो ना। क्या हुआ? मुझको अंधेरे में डर लगता है, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम हमारे पास आओ, तुम्हें डर नहीं लगेगा, हम तुम्हारे पास रहेंगे, टेंशन मत लो। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं। पक्का? पक्का। तो चलो अब सो जाओ ना। सो जाओ। क्या हुआ? क्या चला कर रही थी? नींद पूरी हुई कि नहीं हुई? चुप करो। क्या हुआ? राजकुमारी का मूड क्यों खराब है सुबह सुबह? अरे खराब नहीं होगा तो और क्या होगा? मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे फूल कहाँ हैं? जूते कहाँ हैं? मैं नहाने के बाद क्या पहनूंगी? और फूल भी नहीं आए हैं। दरबार का समय हो रहा है, मैं लोगों को कैसे आशीर्वाद दूंगी? बस इतनी सी बात, 2 मिनट में लेके आते हैं जो तुम्हें चाहिए, ठीक है? चलो प्रसाद ले लो। प्रसाद? कहाँ का? मंदिर का, मंदिर गए थे। लेकिन तुम तो मंदिर जाते नहीं। तुमको कैसे पता कि हम मंदिर नहीं जाते? पता नहीं। पता नहीं मतलब? तुम्हें तो बोली अभी। हाँ पता नहीं। पता नहीं तो फिर बोली कैसे तुम? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा कैसे? क्या कैसे 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 लगा रखा है? मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों कहती। चलो प्रसाद खा लो। रंजन, रंजन, क्या वो सब ठीक तो है? शक्ति रूपे न संस्थिता, नमो गंगे हर हर गंगे। रंजन, रंजन, हे गंगे सर्वभूतेषु कृपा रूपे न संस्थिता, नमो गंगे हर हर गंगे। गंगे नमो नमः। रुंझन, 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 क्या हुआ बिटिया? डायमंड कौन है? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। रुंझुन संभाल के ले जा। अरे माता जुदा रानी की अरे सुनो, यही पांडे निवास है, यही गुड्डू शुक्ला ने हमार माता रानी को छुपा कर रखा है। मिश्रा बोलो माता जूता रानी की जय। कहो गुड्डू बेटा, अमर लाखन मिश्रा आया पूरी भीड़ लेके अपने साथ। रुंझुन को जूता माता ने निश्चित करके यहाँ से लेके जाना चाहता। नहीं, अब हमारे रुंझुन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तुम टेंशन मत लो अम्मा, हम रुंझुन को कुछ नहीं होना देंगे। तुम बस रुंझुन का ख्याल रखो, हम साले लाखन मिश्रा उसके टटपूंजियों को संभालते हैं। हेलो सिंह साहब, ठीक है सिंह साहब। माता जूता रानी की। अरे कहाँ देख रहा, अरे यही है वो गुड्डू शुक्ला जो हमार माता जूता रानी को अगवा करके छुपा के रखा है। हमारी जूता माता रानी को कोई कैद नहीं कर सकता। उन्हें बाहर निकालो, जूता माता को वापस कर दो, नहीं इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे कहाँ देख रहे हो? अरे मारो दुलत्ती, अंदर घुस जाओ, साले एक कदम भी आके बढ़ाना, साले काट के रख देंगे, साले चिंता कर देंगे सबको यहीं पे। सोचो कि माता रानी को इन्हें कैसे चंगुल में फंसाया है। अरे तो उनकी लीला है, वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि उनके भक्तों की भक्ति में कितनी शक्ति है। अरे चढ़ जाओ, अरे घुस जाओ। माता जूता रानी की जय। जब तक हमारी जूता माता बाहर नहीं आएगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी जूता माता को बाहर निकालो वरना हम यही खड़े रहेंगे। खबरदार जो साला एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, अमरी लात मार से गुजरना पड़ेगा। अमरी धर्म पत्नी है रुंझुन, और यहाँ से निकलना तो हमको चीर के जाना पड़ेगा। सुन लिया, अरे माता जूता रानी को अपनी धर्म पत्नी बता रहा है भाई। अरे मारो लठ इसको और अंदर से माता को मार लेके आओ। अरे कहाँ होना डर होगा, क्या हो रहा है सब? ले कहाँ हो रहा है ये पूछने आए हैं हमसे। सब लोग यहाँ से जाओ, तो सब लोगों को थाने में बंद कर दूंगा। अरे ये हमारे जूता माता रानी को चुरा कर अपने पास रखा है। हे मिश्रा चुप, सुनो भाई लोग, यहाँ पे कोई भी जूता माता रानी नहीं है, और जिसको तुम लोग जूता माता रानी कह रहे हो वो गुड्डू शुक्ला की धर्मपत्नी है रुंझुन। अरे ला सुन लो, अरे ये दरोगा भी इससे मिला भाई, बोलता जूता माता रानी इनकी धर्मपत्नी है। सुन लियो भैया। हे मिश्रा, हाँ अब और कुछ दंगा फसाद मत करना मिश्रा, समझा कि नहीं? गुड्डू शुक्ला ने अपने धर्मपत्नी के लापता होने का रिपोर्ट थाने में लिखवा चुका। तुम उसके रिश्तेदार हो ना जी, हैं? तो फिर तुमने खबर क्यों नहीं किया इन लोगों को? इसके लिए तुम्हें पता है, हम चाहे तो तुमको अभी का अभी जेल में डाल देंगे, सड़ते रह जाओगे जिंदगी भर, समझे कि नहीं? अरे कहाँ जा रहे हो? अबे ओ लाखन बिस्तरा, चुपचाप निकल लो, वरना साले हमारी धर्म पत्नी को अगवा करने के जुर्म में तुमको सारे जेल की चक्की पिसवा देंगे अभी क्या भी। अरे आजा आजा, ये सब मिले हुए भाई, जूता माता रानी की, जूता माता रानी की। गुड्डू, अब तुम अंदर जाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो। ये मिश्रा जो है ना, अब तुमको तंग नहीं करेगा। मिलते हैं फिर। क्या हुआ क्या डॉक्टर साहब? देखिए, इन्हें कोई गहरा धक्का लगा है। गहरा धक्का? लेकिन ऐसे तो कोई बात ही नहीं हुई। आप ये कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कोई वैसी बात हो जिससे इनकी याददाश्त चली गई हो। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे रंजन की याददाश्त वापस आ जाए? मतलब कोई इलाज, कुछ कोई दवाई, कोई इंजेक्शन? देखिए, इन सब मामलों में ऐसा कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी कोई दवा नहीं निकली है जिससे इनका शर्तिया इलाज हो सके। हाँ, आप लोग इन्हें मेंटल एसाइलम में भर्ती कर सकते हैं। ये क्या होता है? मानसिक रोगियों का अस्पताल। वहां इनका ठीक से इलाज होगा, इनकी देखभाल होगी, हो सकता है इनकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। मैं इनको मानसिक हॉस्पिटल में रेफर कर देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप लोग इन्हें वहां भर्ती कर दीजिए। कहाँ गई? यहाँ मुझे कौन लाया? ये तुम कौन हो? मैं डॉक्टर हूँ। गुड्डू शुक्ला, ये लोग मुझको घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? ओए मिठ्ठो बिल्लो कल से नाली, मुझे भूख लगी है। मैंने कितनी देर पहले कहा था मुझे खाना लाके दो, खाना लेके आओ, अभी लेके आओ। तुम कुछ बताओगी तो मंगवाएंगे ना? मुझे नहीं पता, बस अच्छा होना चाहिए। जाओ लेकर के आओ, मुझे खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए खाना लगवाते। बिल्लू दीदी, मिट्टू जीजी, देखा तो तमाशा। अबे हीरोइन तो है ही घर में, बाकी का भाग ना ज्यादा दिन तक हम लोग के साथ ना ही रही। सही कर, ये कलसन वाली मिट्टू जीजी एक गड्ढे से निकले थे, लो दूसरा गड्ढा आ गया। कह देते हम अगर रुंझुन घर से गई ना तो हम सबका भाग भी चला जाएगा उसके साथ पागल खाने। हम सभी को कुछ न कुछ तो करेगा पड़ी है ताकि रुंझुन ये घर से जाए ना। ओ जगतम्मा, ऐसे खड़ी होके टुकुर टुकुर मुझको क्या देख रही हो? हाँ, मेरे लिए पानी लेके आओ। अल्लाह वत्ता बिटिया। अरे अम्मा तुम रुको, हम लेके आते हैं। ये लो पकड़ो, खाओ। हम आते हैं। गुड बेटा, हम तो कहते हैं डॉक्टर जो कह रहे थे कि रुंझुन का अस्पताल में भर्ती कराए दो, इलाज होवे से हमसे बेटिया ठीक हो जाए। हमका लागत है बेटा ओके याददाश्त वापस आ जाए। नहीं अम्मा, हम रुंझुन को अस्पताल नहीं भेजेंगे। ऐसे भी इतनी मन्नतों के बाद रुंझुन तो हमें मिली है, हम उसको अपने से दूर नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्या है ये? हम नहीं खाएंगे खाना। कैसा कैसा खाना बना के दे देती हो? बिल्लो कलसन वाली मिट्टो। नहीं खाना मुझको ये खाना, नहीं खाना मुझको ये खाना। नहीं 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 नहीं, एक नहीं, दो नहीं खाऊंगी, तीन नहीं खाऊंगी, चार नहीं खाऊंगी, पांच। क्या हुआ? क्यों नहीं खाना? नहीं खाऊंगी, तुम लोग रोज मुझको यही खाना खिलाते हो। हाँ कमाल करती हो, खुद ही शर्त लगाती हो, खुद ही भूल जाती हो। किसी शर्त? तुमने शर्त लगाई थी ना हमसे कि देखते कि कौन तेज खाना खाता है। शर्त मैंने? ला खुद शर्त लगाती हो, खुद ही भूल जाती हो। तुमसे? हमसे। झूठ मत बोलो। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे। तुम भूल गई हो। क्या तुमने कहा था कि तुम तेज खाना खा के दिखा सकती हो हमसे? आपने कहा था नहीं हम तुमसे तेज खाना खा के दिखाएंगे। भूल गई? ओए गुड्डू शुक्ला, मुझसे तेज कोई नहीं खा सकता। चलो। अरे छोड़ो, तुम नहीं खा सकती, हम जानते हैं। हम तेज खाना खा के दिखाएंगे तुमसे, देखो। अरे हट, मैं भी खाऊंगी। अरे रुको। अरे नहीं, एक मिनट। क्या? जो शर्त जीतेगा वो आइसक्रीम खाएगा। तुम आइसक्रीम खिलाओगे मुझे? हम आइसक्रीम खिलाएंगे तुम। मैं ही जीतूंगी। चलो 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 शुरू करते हैं। चलो एक मिनट, 1 2 3 शुरू।